नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रशांत। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच दिल्ली में एक शानदार मैच देखने की उम्मीद तो थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद एक तरफा अंदाज में 7 विकेटों से सनराइजर हैदराबाद को इस मुकाबले में हरा दिया। चेन्नई की लगातार 5वीं जीत थी इस सीजन, वहीं हैदराबाद की टीम की ना अब हालत है, इस सीजन 5वीं हार थी उनकी। सिर्फ 2 पॉइंट है, टीम अभी भी टेबल के सबसे लास्ट पर है। वहीं जीत के बाद चेन्नई वापस से टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। टीम के अब 10 अंक हो गए हैं। टीम ने लगातार पिछले जो 5 मैच है वो जीते और दिल्ली में जिस तरीके से शुरुआत की, टीम का मनोबल इससे और 7वें स्थान पर पहुंच गया होगा। आपको बता दें इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हैदराबाद के लिए डेविड वार्नर ने 8 शतक लगाया, मनीष पांडे ने 8 शतक लगाया और टीम 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन ही बना सकी। निचले क्रम में विलियमसन ने 10 गेंदों पर 26, वहीं केदार जाधव ने 4 गेंदों पर 12 रन बनाए और टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर बनाया था। लेकिन इसके बाद जब बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम, ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ने ही पहले विकेट के लिए ही 129 रन जोड़ दिए। ऋतुराज गायकवाड़ 44 गेंदों पर 75 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 12 चौके लगाए, 171 की सही स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं फाफ डू प्लेसिस ने 38 गेंदों पर 56 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्का लगाया, 147 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। मोइलेरी ने 8 गेंदों पर 15 रन ठोक दिए थे, 3 चौके, जो उनका अंदाज है, नंबर 3 पर आते हैं, रुकने का नाम नहीं, बस शॉट्स लगाते हैं। इसके अलावा 3 विकेट जरूर गिरे, लेकिन उसके बाद महज औपचारिकता थी। चेन्नई के बल्लेबाजों ने आसानी से सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 173 रन बनाकर मैच जीत लिया 18.3 ओवर में ही। बेहद शानदार परफॉर्मेंस रहा चेन्नई की तरफ से। इवन जिस अंदाज में अब एसआरएच के खिलाफ शुरुआत से, जब से एसआरएच की टीम आई है, आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुई है, तब से चेन्नई का जो रिकॉर्ड उनके खिलाफ बेहद शानदार रहा। अब तक दोनों के बीच 15 मुकाबले खेले गए हैं और 11 मुकाबले सीएसके ने जीते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके का डोमिनेंस जो है एसआरएच पर, वो टीम लगातार दिखा रही है। पिछला सीजन अगर आपको याद होगा तो धोनी जिसमें दवाइयां खाकर बैटिंग कर रहे थे, वो मुकाबला एसआरएच ने जीता था। उसके बाद फिर चेन्नई ने आखिरी के सीजन के दौरान फिर मैच जीत दिया था, लेकिन इस सीजन के पहले ही मैच में एसआरएच के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की है और अब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। 6 मैचों में 5 जीत और सिर्फ 1 हार के साथ टीम के 10 अंक है। 10 अंक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी हैं, लेकिन नेट रन रेट चेन्नई का बेहतर है और टीम टॉप पर पहुंच गई है। जिस अंदाज में आज खेला टीम ने, वो बेहद हैरान कर देने वाला था, क्योंकि लगातार जो डोमिनेंसी दिख रही है इस सीजन चेन्नई की, उसने सभी को हैरान कर दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जरूर बने रहिए वन इंडिया के साथ।